हेलो, कैसे हो आप लोग? मजे में ना? मैं हूँ शालिनी अबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन की पढ़ाई का मजा ही कुछ और है भाई। अच्छा खाते पीते लेटे पढ़े, कैसे भी पढ़ो, पढ़ाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं है ना। लेकिन घर पे है तो क्या हो गया, पढ़ाई करते समय आप लोगों को सिस्टमेटिकली ही बैठ कर पढ़ना है, ठीक है। और ये है अच्छे बच्चों के लक्षण। और मेरे बच्चे तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड है। टीचर ही गुड है तो बच्चे तो गुड होंगे ही ना। तो चलो आज मैं आप लोग को सिखा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा हुआ है मैथमेटिक्स का जो भी लेसन है, मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है। और इसके आगे का अभी मैं लेसन आप लोगों को सिखा रही थी। लेसन नंबर 1 तो अपना हो गया, और जो नंबर 2 था, नंबर वॉक, ये हम लोगों का हुआ है आधा। जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को मेरे जो लाइव वीडियोस आने वाले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लस आप लोगों को जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो हो गया ना आप लोग का डबल फायदा। लेकिन ये फायदा आप लोगों को ही सिर्फ नहीं उठाना है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को भी मेरे जो चैनल है उसका लिंक फॉरवर्ड करना है, क्योंकि मंथ एंड में अभी नजदीक आ गया और अपना टारगेट तो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। तो फटाफट थोड़ा जोर लगाइए और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मिलियन बच्चे सीख रहे हैं और मेरी जो मेहनत है जो मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखे, है ना, एक अच्छा और नोबल काम। तो इस पुण्य के काम में आपका भी हिस्सा हो जाए। यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो अभी नंबर वर्क में हम लोगों ने सीखा था 3 डिजिट नंबर, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा 4 डिजिट नंबर। ये मैंने आप लोगों को दिया है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को इंट्रोडक्शन होने वाला है 5 डिजिट नंबर्स का। तो इंट्रोड्यूसिंग 5 डिजिट नंबर्स, रेशमा विच इज द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो कौन सा 4 डिजिट नंबर बिगेस्ट है? सचिन, 9999। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 9999 इज अ बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। और एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा ये, तो ध्यान में रखना बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, तो 9999। नरगिस, विच इज द नेक्स्ट नंबर, तो फिर इसके आगे का नंबर कौन सा है? ताई, लेट्स वर्क दैट आउट। When we add 1 to a number, we get the next number. You remember that? Don't you? Now we will do the addition. 9999 plus 1 in vertical arrangements. तो हम लोगों ने इस तरह से vertical arrangement में 9999 plus 1 किया, तो हमारा आंसर 10,000 कैसे आया भाई? तो ये जो 9 and 1 कितने हो गए? 10। तो 10 का यूनिट नंबर जो होता है वो हम लोग लेते हैं, तो उसका हो गया 0। तो 0 का जो हम लोगों ने यूनिट नंबर लिया और जो 10s का जो 1 था उसे ऊपर लिखा, फिर उसके बाद फिर 9 में 1 प्लस किया तो फिर से 10 आया, फिर इधर 0 लिखा, फिर 100s की जगह पे आया, फिर इसमें 1 ऐड किया तो फिर 0 आया 10 का, फिर 0 लिखा और फिर यहाँ 1 ऐड किया, फिर 1, फिर 9 में 1 ऐड किया तो फिर से 10 आया। तो हम लोगों ने आगे कुछ भी नहीं है, तो 10 हम लोगों ने जैसा था वैसा ही लिख दिया।
तो हो गए हमारे 5 डिजिट नंबर, मीन्स 10,000। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो 9 यूनिट्स एंड 1 यूनिट मेक 10 यूनिट्स, दैट गिव्स 1 10 टू कैरी ओवर। ओके, राइट दैट इन द टेंस प्लेस। 9T + 1T मेक 10 tens, दैट गिव्स 100 टू कैरी ओवर। जैसे ही मैंने अभी जो आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये इन लोगों ने वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है ना? तो बस उतना ही है, वो वही लिखा है उसको। ओके, तो टेंशन में मत आना कि क्या टेंस और फेंस और वंस एंड टेंस करके रखे, इसके लिए टेंशन मत लो। एक बार समझना ही जरूरत है आप लोगों को। ओके, नाउ दैट गिव्स 100 टू कैरी ओवर, राइट दैट इन हंड्रेड्स प्लेस। 900 + 100 मेक 10 hundreds, 10 hundreds इज 1,000, राइट दैट 1,000 इन द थाउजेंड्स प्लेस। वी गेट 9 + 1 10 इन द थाउजेंड्स प्लेस, सो दिस नंबर इज 10,000। वी मेक अ न्यू 10,000s प्लेस फॉर इट ऑन द लेफ्ट ऑफ द थाउजेंड्स प्लेस। वी कॉल इट TTH प्लेस, यानी 10,000। तो शॉर्ट फॉर्म में उसे इस तरह से लिखा जाता है, TTH। सिंपल है, U मीन्स यूनिट, T मीन्स टेंस, H मीन्स हंड्रेड्स, TH मीन्स थाउजेंड्स, और ये जो 10,000 है, तो 10 का T और 1,000 का TH हो गया 10,000। है इजी? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, वेरी गुड। अभी पीछे देखते हैं हम लोग, इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट नंबर्स। अभी 5 डिजिट नंबर लिखने का भी एक तरीका है, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। लुक एट द 5 डिजिट नंबर बिलो। तो क्या है भाई? यूनिट प्लेस में है 8, टेंस में है 7, 100 में है 5, 1,000 में है 3 एंड 10,000 में है 1। मीन्स 13,578। दिस नंबर कैन बी रीड एज 1, 10,000, 3,578। ओके, बट टू मेक इट इजियर वी रीड इट एज 13,578। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे से समझा दिया है और आप लोग समझ भी गए हैं। दैट इज वी रीड द डिजिट्स इन द 10,000 एंड थाउजेंड्स प्लेसेस टुगेदर। ओके, 10,000 एंड 1,000 प्लेस जो है हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, 13,578। ठीक है, तो ज्यादा मगजमारी ही नहीं है हम लोगों को, है ना? तो अभी देखो, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। 20,000, 80 का स्पेलिंग आता है ना आप लोग को, तो 80 लिखना है, उसके आगे 1,000 लिखना है। 68 लिखने आता है आप लोग को, 68 आगे लिखना है 1,000। 54 आगे लिखना है 1,000, 54,000। 79,000, 99,000। है ना आसान? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? ओके, देन गो अहेड। नाउ लुक एट द सिंबल एंड रीड द नंबर दे मेक। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार आप लोगों को सिखा देती हूँ। तो 1 में इन लोगों ने हम लोग को नंबर दिया है 42,121। ओके, तो अभी हम लोगों ने 5 लाइंस बनाए हैं, एक है यूनिट का, एक है
टेंस का, एक है हंड्रेड्स का, एक है थाउजेंड्स का और एक है 10,000 का। ओके, तो यूनिट में वन नंबर है तो हम लोगों ने यूनिट में वन लिखा, टेंस में टू है तो टू पर्ल हम लोगों ने निकाले, वन है हंड्रेड में तो वन पर्ल निकाला, टू है थाउजेंड में तो टू पर्ल निकाला, और उसके बाद फोर है 10,000 में तो हम लोगों ने फोर गोटी बोलो, गोले बोलो, पर्ल बोलो, कुछ भी बोलो, नंबर बराबर होने से मतलब है। ओके, तो वो हिसाब से 42,121 हो गया आपका। ओके, नाउ मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया था, तभी मैंने बोला था जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को क्या दिया है, यूनिट प्लेस में जीरो सिर्फ एक ही है, उसके बाद टेंस में कुछ नहीं है, हंड्रेड्स में कुछ नहीं है और थाउजेंड में भी कुछ नहीं है, और डायरेक्ट लिखा है इधर 10,000 में 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर है जीरो, सिंपल, जिधर कुछ भी नहीं वहां पर आएगा जीरो, जिधर गोले है उधर उसको ही हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5, 0, 0, 0, 1 हो गया, सिंपल, गुड। तो 50,001 हो गया आप लोग का, एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। तो अभी पता चलेगा आप लोग को कितना समझ में आया है। तो अभी इन लोगों ने देखो क्या किया है, 60,026 दिया है, 6 यूनिट प्लेस पे, 2 टेंस प्लेस पे, हंड्रेड्स में कुछ नहीं है तो 0, थाउजेंड में कुछ भी नहीं है 0, 10,000 में उन्होंने 6 गोले दिए है तो 6, तो 60,026 सिंपल, तो वर्ड्स में लिखना है 60,026 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ यहां पर दिया है 31,000, तो यूनिट में कुछ नहीं है, टेंस में कुछ नहीं है, हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, थाउजेंड में 1 है और 10,000 में 3 है, तो 31,000, तो राइट इन वर्ड्स 31,000। ओके, क्लियर, गुड, नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर्स। तो क्या है भाई नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर में, 62,037 यानी 1,000 हो गया, 60,000 हो गया प्लस 2 तो 62,000 हो गया। इट मीन्स दैट वेयर वी हैव 6, 10,000 and 2,000। ओके, दिस नंबर हैज नो हंड्रेड्स, सो वी राइट 0 इन द हंड्रेड्स प्लेस। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया हुआ है वही ये लोग अभी आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आई थिंक अभी ये मुझे पढ़ के आप लोगों को फिर से मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, और आप लोग अच्छे से अभी समझ गए हैं तो नो कॉम्प्लिकेशन। ओके, हाँ आप लोग एक बार रीड जरूर कर लेना इसको, कुछ डाउट है तो मुझे पूछे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को उसके आंसर्स दूंगी। ओके, तो उसके आगे दिया है आप लोगों को एक्सरसाइज, जो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में, वरना क्या होता है ना मराठी में एक कहावत है, पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट, यानी आगे जो सीख रहे हैं वो याद रखते जाते हैं बच्चे लोग, और जो पीछे सीखा हुआ है वो भूल जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, है ना। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है पूरा लेसन इतना परफेक्टली, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चे का मुझे ऐसे आएगा कमेंट में कि मिस प्लीज एक्सरसाइज सॉल्व करके बताओ। हाँ, अगर आपको रियली में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है मुझे, ठीक है। तो मैं हूं तो भाई आप लोगों को कोई भी फिकर करने की जरूरत नहीं है, एकदम खुश रहो,
बिंदास रहो, बिंदास पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। थोड़ा वीडियो अपलोड करने के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक्सरसाइज के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।